हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स क्लास टेंथ में और हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरम नंबर 6.5 पढ़ना है हम लोग को 6.5। बच्चों आज हम लोगों ने 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 थ्योरम जो है कंप्लीट कर लिए और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी है जो 6.1, 6.2 वो भी कंप्लीट कर लिए। इसमें से थ्योरम नंबर 6.2 जो सेकंड थ्योरम थी वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी बच्चों, उसको जरूर तैयार करिएगा, जिसको हम बोलते थे थेल थ्योरम। 6.3, 4, 5 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन उसकी तरह इंपॉर्टेंट नहीं जितना सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे 6.5 नंबर थ्योरम जो कि है SAS क्राइटेरिया पर बेस्ड। बच्चों कल हम लोगों ने एंगल 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 और साइड 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 बताया था बच्चों। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, जिसमें थ्योरम वगैरह बता रखी है, तो प्लीज़ जाए, लिंक पड़ी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज चलते हैं 6.5 पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है और उसको प्रूफ करते हैं और फिर चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ बच्चों, 3 की तरफ, सॉरी बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। तो लिखा हुआ बच्चों, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल, एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल की क्या है, इक्वल है, एंड अदर ट्राइंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, और जो एंगल के पास जो साइड है आर प्रोपोर्शनल, वो क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल है, मतलब वो साइड के रेशियो जो है, साइड्स के जो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तो देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तब प्रूव करना है हम लोग को दो ट्राइंगल्स क्या हुए हैं जो सिमिलर हैं। समझिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से पहले क्या दे रखा है, ये दो ट्राइंगल है, सपोज इट इज ABC, ठीक है, और एक ट्राइंगल और मान लीजिए DEF, ठीक है। यहां पे क्या कहा गया कि ये एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, एक मान लीजिए, कोई मान लीजिए, बी मान लीजिए, ई मान लीजिए, बी ई की मान लीजिए, सी एफ मान लीजिए, कोई मान लीजिए, ऊपर मान लेंगे कि आपको दिखेगा सामने बच्चों, यहाँ पे फ्रंट में, ठीक है। अगर इधर मानेंगे तो फिर वो करने में थोड़ी दिक्कत होगी बच्चों, है ना। तो आप लोग मानने को कोई भी लेट कर सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, कोई भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनसे कौन कौन साइड इंक्लूडिंग है, एक ये साइड इंक्लूड है, एक का नाम है AB और एक का नाम कौन सा बच्चों, AC, ठीक है, ये। और इसमें कौन से इंक्लूड है, DE और DF, ये क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स हम लोग को दे क्या रखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड AB अपॉन में क्या है बच्चों, DE और AC अपॉन में क्या है, DF, ठीक है बच्चों, इतना आगे सब बच्चों को बताइए। अब ये हम लोगों को गिवन है, प्रूफ क्या करना है बच्चों, सिमिलर प्रूफ करना है कि ABC इज सिमिलर DEF, ठीक है। देखिए बच्चों, जब सिमिलर प्रूफ करना होगा आप लोग को इस प्रकार से दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों एंगलों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो जो फर्स्ट थ्योरम करके आएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, बस आपको एंगल बी इक्वल टू एंगल ई करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ करना है, बस ये आपने कर दिया, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बाय द फर्स्ट थ्योरम से हम लोग जान जाएंगे अगर तीनों एंगल इक्वल है तो ये दो ट्राइंगल क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। ये मैंने बताया था थ्योरम नंबर 6.1 में, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर कंस्ट्रक्शन वही करना पड़ेगा जो कल मैंने किया था बच्चों, जो कल किया था वही कंस्ट्रक्शन यहां पर भी करना पड़ेगा, क्या बच्चों, कट करना पड़ेगा उतने ही बच्चों, यहां पे मान लेते हैं क्या P, यहां मान लेते हैं क्या Q, कट AB इक्वल टू जो AB है वो किसके इक्वल मान लिया, DP के इक्वल कट किया, और AC जो कट किया है वो किसके, DQ की इस साइड के इक्वल कट किया बच्चों, ज्वाइन P2Q, ज्वाइन लिखे मीट लिखे जो भी, P2Q, P को किसे क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले AB नापा तो मान लीजिए यहाँ पे आया तो मैंने पॉइंट P लिया, AC नापा तो ये कट किया तो ये पॉइंट, अब इसको ज्वाइन कर दिया P से Q को। ओके बच्चों, सभी लोग को आ गया, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, ये मैंने कल भी बताया था बच्चों, याद होगा आप लोग को, ठीक है। तो वही मैंने फिर से वही किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं प्रूफ, अच्छा ऊपर यहाँ गिवन लिख देना बच्चों, लिखना भूल गए थे, गिवन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ देखिए बच्चों ध्यान से, पहले हम लोग समझिए यहां पर AB जो है वो किसके इक्वल है बच्चों,
वो डी पी के इक्वल है, ए सी जो है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के, बाय द कंस्ट्रक्शन से बच्चों। एंड एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, हम लोग को दे रखा गिवन है बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, सॉरी क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेंट है किसके बच्चों, ट्राइंगल डी पी क्यू। वाई बच्चों क्यों कॉन्ग्रेंट है बच्चों, बाय द रीजन ऑफ एस ए एस, साइड एंगल साइड से दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है, एंगल जो होना चाहिए उनके बीच का एंगल होना चाहिए, तो उनके बीच का ये एंगल है तो ये इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, तो कॉन्ग्रेंट है तो एंगल बी जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बताइए, देयरफॉर एंगल बी, अभी इसको फिलहाल P लिख रहे हैं बच्चों, वैसे P नाम नहीं होगा, डी पी क्यू होगा फुल नाम, लेकिन अभी P लिख रहे हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगा और एंगल C इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, ये मैंने बताया था। वाई बच्चों बताइए, वाई ये सी पी सी टी से हो जाएगा, कॉन्ग्रेंसी पार्ट ऑफ ए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बच्चों, ठीक है। तो बी पी के इक्वल हो गया, सी क्यू के इक्वल हो गया। अब ये बताइए बच्चों, ये पी जो है इसके इक्वल हो गया, ठीक है, सी जो है वो इक्वल होगा किसके, ओके ओके। अब यहाँ पर समझिए बच्चों ध्यान से, हम लोगों को क्या हमने कहा कि बी को ई के इक्वल प्रूव करना है और सी को कहीं ना कहीं एफ के इक्वल प्रूव करना है। तो अभी आप लोग को एक चीज और दे रखी है, सिंस ए बी अपॉन में डी, देखिए अभी तो क्यों ना ए सी अपॉन में डी एफ, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, डी पी, ठीक है, ए बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप लोग, डी पी पुट कर सकते हैं, और डी की जगह मैंने डी लिखा है बच्चों, और ए सी की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं क्या, डी क्यू पुट कर सकते हैं, तो ये डी क्यू हो गया, और डी एफ की जगह मैंने डी एफ, ठीक है। तो डी पी अपॉन में डी, डी क्यू अपॉन में डी एफ, तो इसका क्या मीन है कि डी पी अपॉन में डी, डी क्यू अपॉन में डी एफ, इसका मतलब है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बच्चों किसके, ई एफ के, बताइए बच्चों, नहीं आया क्या, पी क्यू पैरेलल ई एफ, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थ्रस्ट थ्योरम है, ये थ्रस्ट थ्योरम लग रही है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए डी पी अपॉन में डी, भले वो पूरा आराम से कोई दिक्कत नहीं है, डी पी अपॉन डी, क्योंकि कई सारे फॉर्म होते हैं थ्रस्ट थ्योरम के, तो ये भी उसी में एक फॉर्म है, तो डी पी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन में डी एफ बच्चों, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बच्चों किसके, ई एफ के बच्चों, समझ में आया सब लोग को, पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगा, ई एफ के, तो देयर फोर हम लोग कह सकते हैं अगर पैरेलल तो एंगल पी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल Q जो होगा वो इक्वल होगा एंगल F के। Y बच्चों क्यों इक्वल होगा, किस नियम से, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए P B के इक्वल था, P E के इक्वल है, तो देयर फोर यहां आप चाहिए फर्स्ट सेकंड डाल दीजिए, फर्स्ट यहां डाल दीजिए, सेकंड यहां डाल दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से सब बच्चों को अच्छे से आ रहा, बच्चों समझते रहिए थ्योरम को बच्चों ध्यान से, पी पी मैच करा तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो गए, एंगल ए एंगल डी के ऑलरेडी इक्वल दे रखा था हम लोग को, तो वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा बच्चों, ओके। इस क्या बोलते हैं इस क्राइटेरिया को बच्चों, एस ए एस, कभी भी आप अगर दो साइडों के रेशियो, कोई भी दो साइडों के रेशियो है ना, लेकिन इनके इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए, एंगल उसी में इंक्लूड होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए बच्चों, अगर मान लीजिए ए बी अपॉन में डी है और बी सी अपॉन में ई एफ है, तो इनमें कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा, बी वाला, और इसमें कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा, ई वाला, तो बी ई के ही इक्वल होना चाहिए, और किसी के इक्वल होगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा बच्चों, फिर ये क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, जो साइडों के जो रेशियो इक्वल होंगे उन्हीं में इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना कंपलसरी होता है बच्चों, तभी ये रूल फॉलो करेगा, अन्यथा फॉलो नहीं करेगा, तभी ए को बीच में लिखा गया, साइड एंगल साइड मतलब साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए, जैसे अभी देखिए फिलहाल
ए बी अपॉन में डी है, ए सी अपॉन में डी एफ है, तो इनके बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, ए और डी, तो वही इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको काफ़ी ध्यान दीजिएगा, एस एस रूल जो हम लोग लगाते हैं बच्चों, तो एस एस रूल का ये मतलब नहीं कि कोई भी दो साइड है कोई भी एक एंगल ना, जो भी साइड के रेशियो इक्वल है उन्हीं के बीच का एंगल या इंक्लूडिंग एंगल होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों, सभी बच्चे नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये तीनों थ्योरमें कंप्लीट हो गई हैं, अब हम लोग चलेंगे कौन से एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। देखिए 6.3 इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये बच्चों। तो सभी बच्चे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ओके, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर ना आए वो चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं और बता सकते हैं भैया ये चीज़ हमको नहीं आ रही समझ, ठीक है। देखते हैं बच्चों अब एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है स्टेट विच ऑफ द पेयर्स ऑफ अ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। जो ये हम लोग को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन पेयर दे रखे हैं ट्राइंगल के, इनमें से कौन कौन से पेयर सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो यूज़ हो रहे हैं, तीन हमने बताया ना, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और एस ए एस साइड एंगल साइड, इन तीनों में जो भी यूज़ हो रहा है उसको लिखना है। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर पेयर के जो ट्राइंगल्स हैं उनको भी लिखना है बच्चों बाई द इन द सिम्बोलिक फॉर्म, सिम्बल के फॉर्म में। तो क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कैसे कि ट्राइंगल को मतलब सिमिलर लिखिए और सिम्बोलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि सिम्बल में कुछ भी आप ए बी सी डी ए कुछ भी इधर इधर लिख दे कोई काम चलेगा ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है किस प्रकार से आप इसको लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल को सिमिलर लिखते हैं बच्चों सिम्बोलिक के फॉर्म में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये दो ट्राइंगल बने हुए बच्चों, यहाँ 60 दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 40, यहाँ पर भी सेम लिखा है 80, 60 और 40। बात करते हैं बच्चों इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की बच्चों, तो क्या ऐसे सिमिलर करेंगे देखिए ध्यान से। अच्छा बताइए एंगल ए आप लोग को एंगल पी के इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, साफ साफ दिख रहा होगा एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, बोथ आर एंगल इक्वल, 60 ए बी है 60 ए बी है, और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है बच्चों, ठीक है। बी किसके इक्वल है, क्यू के, और ध्यान से देखिए एंगल सी इक्वल किसके है, एंगल आर के, ये सी जो है वो किसके इक्वल है, आर के बच्चों। तो कहीं ना कहीं तीनों एंगल आपको इक्वल दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। ध्यान से देखिए अगर आपने जिस तरफ जैसा यहाँ पे लिखा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने ए बी सी लिखा तो ए किसके इक्वल है, पी के, तो यहाँ पर ए जहाँ लिखा वहाँ पे आप यहाँ पी लिखेंगे, बी बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो यहाँ क्यू के, सी किसके इक्वल है, आर के, तो यहाँ पे आर, और कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया बच्चों मैंने, एंगल 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 क्राइटेरिया यूज़ किया है सिमिलर करने के लिए। तो समझ में आ गया, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों, मतलब ये दो ट्राइंगल किस प्रकार से सिमिलर हैं बच्चों, सभी बच्चों को आ गया अच्छे समझ में। तीनों की एंगल आपस में इक्वल दे रखे थे तो तीनों एंगलों को मैंने लिखा बच्चों, तीनों एंगल इक्वल थे तो ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई द एंगल एंगल। ये सिंबल ध्यान समझिएगा कि इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू आर, टू थ्री सॉरी थ्री है 2.5 सिक्स फाइव एंड दिस इज अ फोर, ठीक है।
अब यहाँ पे आप लोग को साइड गिवेंस हैं, यहाँ पे एंगल्स गिवन नहीं है, तो कहीं ना कहीं साइड के रूल लगेंगे, लेकिन कैसे लगेंगे ये समझे ध्यान से। जब कभी भी आपको साइड्स गिवन है बच्चों, तीन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें यहाँ पे गिवन है, तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइड लीजिए बच्चों, तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। नाम क्या है बच्चों इसका बोलिए, बताइए ए बी है कि नहीं है, ए बी बताइए। यहां पर भी आप लोग को स्मॉलेस्ट लेना पड़ेगा, क्या स्मॉलेस्ट है बच्चों, क्यू आर। तो ए बी अपॉन क्यू आर करिए जरा, 2 अपॉन में 4, दैट मीन्स इसका आंसर आ रहा है 2 1 2 2 2 4, ठीक है 2 अपॉन 4, ठीक है। आप समझिए बी सी इससे जस्ट लॉन्ग साइड कौन सी है, ये बी सी, 2 से पहले सबसे स्मॉलेस्ट लिया, फिर उसके हिसाब से आगे जाते जाएंगे, पहले 2 तो फिर क्या आएगा 2.5, उससे बड़ी साइड क्या नाम है बी सी, 4 से बड़ी साइड कौन सी है पी आर 5 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना है बच्चों 2.5, ये कितना है 5, ठीक है। ये डेसिमल यहां से हटेगा, क्या बढ़ेगा यहां पे 0 बढ़ा लेंगे यहां पे, ठीक है। तो 25 हो जाए 25 25 2 जा 50, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ओके। नेक्स्ट कौन सा बचा बच्चों साइड ए सी अपॉन में, यहां पे क्या बचा है पी क्यू, ए सी अपॉन में पी क्यू मतलब कि 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। देखिए तीनों साइडों के रेशियो क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाँ तीनों साइडों के रेशियो जो है आपस में इक्वल है, ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू में बी सी अपॉन में पी आर इक्वल टू में ए सी अपॉन में पी क्यू, ओके। तीनों साइडों के रेशियो क्या आपस में इक्वल है। अब ये ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, एस 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 से, लेकिन लेकिन ये जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए बच्चों। अब भाई ये अगर तीनों हैं बच्चों तो कैसे आप लोग लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में एंगल ए इक्वल टू वो था एंगल बी, तो सिंपल मैंने लिख दिया ए की जगह जो इक्वल था ए के, जो बी की इक्वल था बी के, और जो सी की इक्वल था जो सी की जगह लिख दिया बच्चों। बट यहाँ पर तो एंगल दे नहीं रखा ना, यहाँ पे सब साइड की बात कर रहा है, तो कैसे आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दो तरीके मैं बता रहा हूँ आप लोग को, दोनों ही तरीके अच्छे हैं बच्चों, आप लोग समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों तरीके बच्चों सिंपल हैं। देखिए बच्चों पहले मैं बात करता हूँ ए बी क्यू आर, तो ए बी और क्यू आर कहां पर है, ए बी ये है क्यू आर ये है ना, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है बच्चों सी, और क्यू आर के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है पी, तो कहीं ना कहीं सी जो है वो पी के इक्वल होगा, ठीक है। एक सिंबल बना लीजिए, हाँ ये एक सिंबल वाला एक के इक्वल है बच्चों, ठीक है। आया बच्चों फिर समझिए, ये साइड ए बी अपॉन में क्या किया क्यू आर, तो ये इसके है बच्चों, तो इसके सामने एंगल क्या पड़ रहा है सी, इसके सामने क्या एंगल पड़ रहा है पी, ओके। नेक्स्ट बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन में पी आर, तो सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है ए, तो इस पर डबल साइड बना लीजिए, तो पी आर के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है क्यू, तो इस पर भी डबल बना लीजिए, मतलब ए जो है वो किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है। तो बचा क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे जो बचा उस पर लगा लीजिए, ये बी पे 3 लगा लिए और आर बचा आर, ठीक है बच्चों, यही तो बचा हुआ है बच्चों यहाँ पे। भाई जब दो एंगल आपको पता चल गया तो थर्ड एंगल तो मान ली जाएगा बच्चों, तो फिर क्या लिखेंगे, ए किसके इक्वल है ए, देखिए बच्चों ध्यान से ए क्यू के इक्वल है, डबल सिंबल है, डबल सिंबल के इक्वल, तो ए किसके इक्वल होगा क्यू के, ठीक है। बी बी किसके इक्वल ट्रिपल, तो ट्रिपल के इक्वल होगा आर क्यू आर, और सी किसके इक्वल है सी सिंगल, सिंगल ये पी, तो क्यू आर पी। किससे सिमिलर हुआ बच्चों, एस एस एस, सब बच्चों को आया ये वाला मेथड, बताइए बताइए ये वाला मेथड सब बच्चों को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे समझ लीजिए फिर से, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन में क्यू आर का मतलब है कि एंगल सी जो है वो एंगल ए, मतलब ये जो एंगल सी है वो किसके होगा एंगल पी के बच्चों, यहाँ पे सी जो है वो पी के सामने सामने वाले, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, जो साइड लिया उसी के सामने का एंगल लेते हैं तो उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों। तो उसी प्रकार से मैंने ये किया और फिर यहाँ पे लाके लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मेथड और है कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें डायग्राम ना देखना पड़े, यहीं से काम चल जाए तो और भी अच्छा है बच्चों, ठीक है। अगर डायग्राम में ना कुछ करना पड़े, यहीं से कुछ ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे कि हम लोग इसको लिख सके, तो देखिए समझिए किस प्रकार लिख सकते हैं, एक बार फिर से आप लोग को लिख के दिखाते हैं बच्चों। ए बी सी सिमिलर, देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं इन दोनों रेशियो की बात करें, कोई भी आप दो रेशियो उठा लीजिए, कोई भी दो रेशियो, चाहे कोई भी दो रेशियो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इन दोनों रेशियो को लिखा देखते हैं बच्चों, तो इन दोनों रेशियो में बच्चों बताइए ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों में मैच कर रहा है बच्चों, एक लेटर पक्का होगा जो मैच करेगा बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे एंगल बी जो है बी, मतलब जो लेटर बी है वो बी के मैच कर रहा है,
तो उसे नीचे देख लीजिए, नीचे कौन सा मैच कर रहा है, आर आर के, और मैच करेगा करेगा बच्चों, क्योंकि ट्राइंगल में तीन साइडें होती हैं और ये चार लेटर लिखे हैं तो एक लेटर कॉमन हो गई होगा बच्चों। तो ऊपर से बी मैच कर रहा है, नीचे से क्या मैच कर रहा है, आर, तो जो बी होगा वो किसके होगा, आर के, जहां पे बीच में लिखा है तो बीच में आप लोग क्या लिखेगा, आर, ठीक है। तो बी अगर आर के है तो ए किसके होगा बच्चों, पक्का किसके होगा, क्यू के, और सी किसके होगा बच्चों, पी के। तो इस प्रकार से भी आप लोग ले सकते हैं बच्चों। बताइए बच्चों आ गया सभी लोग को अच्छे समझ में, ये भी मेथड अच्छा था, इसमें आपको डायग्राम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सभी लोग को आ गया ना, फिर समझ लीजिए ए बी और बी सी में कौन सा लेटर मैच कर रहा है, बी, ठीक है, तो बी, और नीचे कौन सा लेटर मैच कर रहा है, आर, तो जहां बी है वहां क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। तो बी है आर के तो ए किसके होगा, क्यू के, तो ए होगा क्यू के, और सी किसके होगा, पी के, तो सी पी के होगा, राइट है बच्चों। चले आगे, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी बच्चों इसी प्रकार से दे रखा है हम लोग को साइड, एल एम पी, पी क्यू, सॉरी एल एम पी डी एफ, सॉरी यहां पर हमने ऊपर देख लिया बच्चों, सॉरी डी ई एफ, ठीक है। यहां लिखा है 2.7, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 4, 5, 6। अब देखिए पहले चेक करिए कि सिमिलर है कि नहीं है सिमिलर बच्चों। तो तीनों साइडें गिवन है तो रेशियो तीनों के इक्वल होने चाहिए, तभी ये सिमिलर कहलाएगा, अन्यथा सिमिलर नहीं हुआ। सबसे छोटी साइड लीजिए बच्चों, कौन सी है, एमपी है ना, एमपी है, देखिए यहाँ पे एमपी 2 सेंटीमीटर, और सभी 2.7 है और ये 3 है। सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट करिएगा, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, डी, एमपी अपॉन में डी, तो ये 2 और ये कितना 4, दैट मीन्स 1/2 कट जाएगा ना, 2 1 2 2 2 4, 2 से जस्ट बड़ी बच्चों कौन सी, एल एम, एल एम है बच्चों यहाँ पे, और 4 से जस्ट बड़ी क्या है, ई एफ, तो ये कितना है 2.7, ये कितना है 5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, तो ये तो कट ही नहीं होगा बच्चों, 27/50, मतलब ये सिमिलर नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। इसको भी चेक कर लीजिए आप लोग, एल पी बचा है, एल पी अपॉन में डी एफ, एल पी कितना है 3, डी एफ कितना है 6, तो ये भी 1/2 आएगा फिलहाल, 1/2 1/2 तो इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है, तो देयर फोर यहां पे क्या लिखेंगे, दीज ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ इसमें क्या है, साइडों के रेशियो जो है आपस में इक्वल नहीं दे रखे हैं बच्चों, राइट है। सब बच्चों को आ गया अच्छे से, सब बच्चों को आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज ऑफ रेशियो, जो साइड्स हैं आर नॉट प्रोपोर्शनल, जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब तीनों के साइडों के रेशियो जो इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ बच्चों, ठीक है, फोर्थ मैं करूंगा, अब इसके बाद फिफ्थ और सिक्स आपको दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे ईमानदारी से करेंगे। बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बच्चों, सेवेंटी 2.55, 76 और ये 10, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहां पर आप लोग को दो साइडें गिवन है और एक एंगल गिवन है, और एंगल जो गिवन है वो इंक्लूडिंग एंगल है, देखिए ये और ये साइड गिवन है तो एंगल भी गिवन है, ये साइड गिवन है तो एंगल उसमें इंक्लूड है, तो ये सिमिलर हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो हो सकता है मतलब ये नहीं कि हो जाएगा, मतलब हो सकता है, देखते चेक करते हैं। स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है बच्चों, एम एन, एम एन, और यहाँ पे दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी बच्चों, यहाँ 6 है कि 5 है, 5 होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 6 और 10 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है बच्चों, 6 होगा, जो यहाँ पे 5 कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे 6 लिखा है लेकिन 5 कर लीजिए, एम एन अपॉन में पी क्यू 2.5,
2.5 जीरो तो कितना जाएगा 25 into 25 2 50 और ml अपॉन में क्या है qr, ml अपॉन में qr दैट मीन्स 5/10 1/2 ठीक है, दो साइड प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है m ऑल्सो इक्वल टू एंगल q, तो ये दो साइडों के रेशियो इक्वल है, साथ में एक एंगल इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर। ध्यान देखिए बच्चों, एम मालूम है क्यू के इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं आपको, जब एम पता है क्यू के इक्वल तो एन किसके होगा बच्चों पी के होगा, तो एन किसके होगा पी के, एल किसके होगा बच्चों देखिए एम पता है क्यू के तो एल पक्का किसके होगा बच्चों आर के, तो ये होगा एस ए एस बिना बच्चों यहां पे आपको देखना, यहां पे देखना ही नहीं है बच्चों, यहीं से आपको करना, जैसे एम मालूम है क्यू के तो जहां पे एम लिखा वहां पे आप क्यू लिखिए, तो m जब q के इक्वल तो n किसके होगा p के इक्वल होगा, सिंपल बात हो, तो n की जगह मैंने p और l जो होगा वो r के इक्वल तो l की जगह मैंने क्या ले दिया r, तो ये सिमिलर हो गया बच्चों s a s, बट ये इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए, यहाँ पे 6 लिखा था मैंने 5 कर दिया जानबूझ के, सिमिलर हो सके बच्चों, और जहां तक ये 5 ही होगा ये दोनों सिमिलर ही होंगे बच्चों यहाँ पे, बट एंगल अगर आप लोग को जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे इंक्लूडिंग एंगल है बच्चों, मान लीजिए ये वाला एंगल यहाँ पे लिखा होता या फिर यहाँ लिखा होता तो ये सिमिलर नहीं होते क्योंकि एंगल इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करेंगे ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन लगा के आप लोग लाएंगे अच्छे से ओके, नहीं आएगा तो मैं उसे कल बताऊंगा दोबारा और स्टार्ट करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 से बच्चों, तो यही देखते हैं बच्चों इसके अंकल मिलेंगे बच्चों कहाँ पे 6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से बच्चों, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए हर एक थ्योरम।